बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की मेरी वीडियो खास उन माओं के लिए है जिनके यहाँ एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना बेबी पैदा हुआ है और उनको अपने बच्चे का सर बिठाना नहीं आता। अमूमन देहातों में तो बड़ी औरतों को बच्चों का सर बिठाना आता है, लेकिन शहर की औरतों को सर बिठाने का सही तरीका नहीं आता, जिसके नतीजे में बच्चों का सर लंबा ही रह जाता है, जो बहुत बुरा लगता है। तो आज मैं आपको मुकम्मल जामे तरीके से बच्चे का सर बिठाने का बिस्तर बनाकर दिखाऊंगी। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का सर 40 दिनों में बैठ जाएगा और गोल मटोल हो जाएगा। तरीका बताने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे का बिस्तर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप एक लेंगे एक बिस्तर, इतना लंबा हो और इतना मोटा हो ताकि बच्चा सुकून से सो सके। उसके बाद हम लेंगे ये दो छोटी छोटी बोरियाँ हैं, इनके अंदर रेत भरी हुई है, और एक स्टालर लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये गर्दन के नीचे रखने के लिए है, और ये एक सीधी प्लेट है, बिल्कुल प्लेन है, ये बच्चे के सर के नीचे रखनी है। इसके ऊपर एक कपड़ा दे लें, एक लंबा सा कपड़ा हो जिससे बच्चे को लपेट लें, और एक और लंबा कपड़ा चाहिए जिससे हम बच्चे के सर के नीचे बना के गोल से रखेंगे। ये कपड़े की पगड़ी बन गई है, इसके अंदर आपने प्लेट रखनी है, और आखिर में एक और कपड़ा चाहिए, ये आपने बोरियों के ऊपर रखना है। अब मैं आपको बिस्तर बनाना सिखाऊंगी। नाजरीन, आप बिस्तर झूले और झल्ली और बेड तीनों जगह पे बना सकते हैं। अगर आपने झल्ली में बिस्तर बनाना है तो झल्ली में इस तरह करके बिस्तर डालना होगा। सबसे पहले इस तरह रखें, बाकी सारा प्रोसीजर इसी तरह होगा। और अगर बेड और झूले में बनाना है तो इसको खोल लेंगे। आपने अगर बेड या झूले में बिस्तर बनाना है तो इसकी दो तह लगाएंगे इस तरह करके। ये जो हमने पगड़ी बनाई थी ये लेंगे, इसके अंदर प्लेट, इसको इस तरह से फिट करेंगे, इधर रखेंगे, और ये एक छोटी बोरी, इसको प्लेट के नीचे रखेंगे, और ये जो गर्दन के नीचे के लिए कपड़ा बनाया था इसको इधर रखेंगे, इससे बच्चे की गर्दन लंबी होती है। अगर ये नीचे ना रखें तो गर्दन छोटी रह जाती है। अगर आप बच्चे को वैसे भी बेड पे लिटा रहे हैं तो इस तरह का कपड़ा फोल्ड करके उसकी गर्दन के नीचे रख दें। नाजरीन, जब आपका बच्चा सो जाए तो उसको इस तरह के लंबे कपड़े में लपेट दें। अगर आप बच्चे को इस तरह से लपेट देंगे तो बच्चा ऐसे फील करेगा जैसे वो माँ की गोद में सोया हुआ है। मैंने यहाँ पे गुड़िया ली है, गुड़िया के साथ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये वाला जो हिस्सा है उसको इधर रखें यहाँ पे, और ये जो चोटी होती है इसको इस प्लेट के ऊपर आना चाहिए ताकि यहाँ से टेक लगे और बच्चे का सर चौड़ा हो जाए। और ये जो हमने एक और कपड़ा लिया था इसको इस तरह से लपेटें और इधर रख दें। दूसरी बोरी इस तरह माथे के ऊपर रखनी है, यहाँ तक, इस हिस्से तक, आँखों के ऊपर और नाक के ऊपर नहीं आने चाहिए ताकि माथा नीचे बैठ जाए। इंशाल्लाह बच्चे का सर 40 दिन के अंदर अंदर बैठकर प्यारा हो जाएगा।
तो नाजरीन ये था वो तरीका जिसके ज़रिए बच्चे का सर बिठाया जाता है। अगर बच्चे का सर ना बिठाया जाए तो वो लंबा रहता है, अगर बिठा दिया जाए तो वो चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा होने से बच्चे का मुंह चौड़ा लगता है और बच्चा गोल मटोल और प्यारा लगता है। अगर बच्चे का सर लंबा हो तो उसका मुंह अजीब सा लगता है, और अगर माथा ना बैठा हुआ हो तो माथा ऊपर उठा हुआ होता है जो बहुत बुरा लगता है। ये बोरी रखने का मकसद ये है कि बच्चे का माथा नीचे बैठ जाए, और ये गर्दन के नीचे आपने कपड़ा लाजमी रखना है। अगर ये नहीं रखेंगे तो बच्चे का सर और कंधे इकट्ठे हुए रहेंगे, गर्दन अलग नहीं होगी ना लंबी होगी, और बच्चे की गर्दन छोटी रहेगी जो कि बहुत बुरी लगती है। देहातों में तो औरतों को बच्चों का सर बिठाना आता है, लेकिन शहर वालों को बच्चों का सर बिठाना नहीं आता। तो इस तरीके से शहर की औरतें बच्चों का सर बिठाएंगी तो बच्चा बहुत प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।